नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं वैक्सीनेशन पासपोर्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कशन किया है और ये अब रियलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सारे देशों में ये रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं कि जिनके पास जिनकी पूरी फुली वैक्सीनेशन हो चुकी है वही आएंगे, और जिनकी नहीं हो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो डेफिनेटली ये एक तरह से काम कर रहा है। अभी कैनेडा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स में इसकी डिस्कशन हो रही है। बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स और बहुत सारे क्रूज शिप्स में ये अभी हो रहा है कि जिनके पास वैक्सीनेशन हुआ है उन्हीं को आने दिया जाएगा और उन्हें वो सर्विस अवेलेबल होंगे। कुछ वेडिंग प्लानर्स ने ये भी अपडेट किया है कि जो उनके मतलब जो कपल हैं वो ये चाहते हैं कि सारे गेस्ट फुली वैक्सीनेटेड हों और तभी उनको एंट्री मिले यहाँ पर। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि प्रोविंस ऑफ क्यूबेक ने इम्प्लीमेंट की है। जैसे ऑन्टेरियो में ये होता है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराई आपको सर्टिफिकेट मिलती है जो ईमेल पे आती है और बहुत जगह पर उसका प्रिंटआउट भी मिलता है। क्यूबेक में क्या होता है कि आपको ईमेल पर एक क्यूआर कोड शेयर की जाती है। तो क्यूबेक का ये प्लान है कि अगर मान लीजिए फॉल सीज़न में अगर केसेस फिर से स्पाइक करते हैं, क्योंकि अभी भी 100% वैक्सीनेशन नहीं हुई है, ऑल दो हमने 70% रीच कर लिया है फर्स्ट डोज का, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं कराना चाहते वैक्सीनेशन। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए हम 80% भी रीच कर लेते हैं तो दैट मीन्स आउट ऑफ 5 एक आदमी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो जैसे कि पीक टाइम में हम 5000 केसेस देख रहे थे, अगर 1000 केस या उससे ज़्यादा आए जैसा कि इसराइल में हमने देखा, तो फिर से मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्यूबेक का प्लान ये है कि अगर इस तरह से केस स्पाइक होते हैं तो उन्हें ये करना होगा कि एक्टिविटीज़ जैसे कि रेस्टोरेंट, जिम, इनको बंद करने के बजाय वहाँ पर ये क्यूआर कोड दिखाकर लोगों को एंट्री मिलेगी, मतलब उनके वेरिफिकेशन करके। कहने का मतलब वो एक आपका एंट्री पास की तरह काम करे कि हाँ भाई साहब आपने फुली वैक्सीनेटेड है, आप अंदर आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर लोगों को एक्सेस मिलेगा। तो बिजनेसेस के लिए तो डेफिनेटली ये अच्छा है, क्योंकि पहले के लॉकडाउन में जैसे बिजनेस को कम्प्लीटली बंद कर दिए जाते थे वो नहीं होगा, बिजनेस खुले रहेगा। लेकिन बिजनेसेस के ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ये सिर्फ कस्टमर्स और क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बल्कि उनके अपने स्टाफ के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये काफ़ी मतलब दिलचस्प सिचुएशन है यहाँ पर। और एक बात की ओर मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा कि वैंकूवर में जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो से एक क्वेश्चन पूछा गया कि कनाडा का टूरिज़्म के रीओपनिंग के लिए, तो उन्होंने एक बार साफ साफ कही कि जो भी अनवैक्सीनेटेड पीपल हैं उनके टूरिज़्म के लिए अभी तो ऐसा कोई मतलब जल्दी ओपन होने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली वैक्सीन पासपोर्ट रियलिटी, अब लोग इसको प्यार करें इसे नफरत करें, बट रियलिटी है तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और होपफुली सब लोग जल्दी से वैक्सीनेट हो जाए ताकि हम इस पैंडेमिक से बाहर निकले। बहुत ज़्यादा समय और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें स्ट्रेस किया है इसने, तो होपफुली हम सब बाहर निकले और इवन स्ट्रॉन्गर, हम एक स्प्रिंग की तरह हो जिन्हें दबाया जाए लेकिन हम बाउंस बैक करें। सो मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।